अस्सलाम वालेकुम बहनों, कैसी हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्तलिफ किस्म के रायते। आज गर्मियाँ आ गई हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हर सब्ज़ी हर सालन के साथ रायते हों, तो हम आज आपको मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाना सिखाएंगे हल्के नमक मिर्च के साथ। अब आज जो मैं आपको रायता बनाना सिखा रही हूँ वो है खीरे का रायता। खीरे के रायते के लिए मैंने 2 मीडियम खीरे ले लिए थे, उसको मैंने बारीक कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। ये मेरा होममेड दही है, होप सो हमारे चैनल पे आपको होममेड दही की रेसिपी मिल जाएगी। ये मैंने जो है चेरी फ्लेक्स लिए थे फॉर टेस्ट बर्ड्स, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते, काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये हसबे जायका नमक है। ये मैंने थोड़ी सी प्याज ले ली थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मेरी बंगाल के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें पिंच ऑफ अजवाइन है, और ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ये 2 से 3 जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये हरी मिर्चें हैं, ये इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है बारीक वाली। चलें अब मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। ओके गाइस, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पहले दही लूँगी। अब मैं इसे बीट करूँगी बीजर की मदद से। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बीट कर रही हूँ ताकि फ्लफी से हो जाए। बहनों आप ये देख सकते हैं मेरी ये कितनी पतली है दही, आपको इतनी ही पतली रखनी है। लेकिन ये तो ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट कुकम्बर। इसके साथ साथ मैं इसमें जो बारीक चॉपी हुई प्याज थी वो भी ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं। अब मैं इसके भंगार के लिए जा रही हूँ, अब हम इसको भंगार देंगे। आइए इसे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं लहसुन डालूंगी, मैं अजवाइन और जीरा डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। अभी देखिए मैं इसमें ये अपना भंगार ऐड कर रही हूँ। ओके गाइस, मेरी ये वाला रायता कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अपने दूसरे रायते की तरफ चलते हैं कि वो कैसे बनेगा। जी बहनों, अब हम अपने दूसरे रायते की तरफ आ गए हैं। अब जी ये रायता जो है वो है बैगन का रायता। हम बैगन के रायते में जो हमें रेसिपी में चीज़ें चाहिए वो है, इसमें हम 2 आदद आप बैगन ले लें मीडियम साइज़ के। अच्छा, इसमें इस रेसिपी में मैं ये जो हरी मिर्ची और ये जो 4 जवे लहसुन के नज़र आ रहे हैं इसे मैं अवलदस्ते में कूट लूँगी। ये भंगार की चीज़ें हैं। भंगार में मैंने लिया है हरा धनिया, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, ये मैंने 1 छोटी प्याज को चॉप कर लिया है, और ये मेरे घर का होममेड दही है। हम हर रेसिपी में अपने घर का होममेड दही यूज़ करेंगे। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये गाइस, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे रोस्टेड करेंगे। बिल्कुल ही हल्की आंच पर हम इसे भूनेंगे। पहले ज़माने में लोग कोयले पे भूनते थे, हमारी नानी दादियाँ। हमारे पास कोयले है नहीं तो हम इसको चूल्हे पर भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। बिल्कुल रोस्ट करके इसकी ऐसी शेप आ जाएगी। देखें किस तरीके से अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसकी स्किन रिमूव करूंगी। अच्छा गाइस, ये देखें मेरा पूरा ये बैगन अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है, इसमें से भापे भी निकल रही हैं। अब मैं इसको नाइफ की मदद से या अपनी उंगलियों की मदद से इसकी स्किन को रिमूव कर सकते हैं। ओके गाइस, ये देखिए मैंने फॉक की मदद से इसका भुर्ता कर लिया है। अब मैं इसी तरह इसको और मैश कर रही हूँ। तरीके से आप मैश करके फिर आप अपने योगर्ट में जो आपने रायता बनाया है उसमें आप मिक्स करें। जी गाइस, मैंने ये देखिए अपनी लहसुन और मिर्चों को अवल दस्ते पे कूट लिया है। ओके गाइस, अब मैं अपना ये होममेड दही ऐड कर रही हूँ। ये जो मैंने अपनी हरी मिर्च और लहसुन पीस लिया था, साथ साथ मैं अपना रायता भी रायते के प्रिपरेशन के लिए दही भी फेंट रही हूँ। अच्छा गाइस, इसमें मैं बिल्कुल हसबे जायका नमक डाल रही हूँ। मैं इसको मिक्स करूंगी और साथ साथ मैं इसी में प्याज भी ऐड कर दूंगी जो मैंने फाइनली चॉप कर ली थी छोटी प्याज लेके।
सर्दियाँ आने को हैं, तो आप इन रायतों को गर्मी में एज अ सालन की जगह रिप्लेस करके भी खा सकते हैं। गर्मियों में रायते बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पर सुबह के वक्त में। मैं इस पर ऐड करने जा रही हूँ, ये जितना भी भूसा है मेरे पास उसको पूरा मैं इतने मिक्स कर दूँगी। अच्छा देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है बहनों। अब मैं जो है ना इसका रायता वो भंगार तैयार करने जा रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं अपने भंगारे के सारे आइटम्स इसमें डाल रही हूँ। हम ज़रा से इसको रोस्टेड करेंगे। देखिए जी, हमारा भंगार कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम देने जा रहे हैं इसको रायते में भंगार। अच्छा, गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर से। जी बहनों, हमारा ये बैगन का रायता बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है, और इसके अंदर जो हमने कोयला जला के जो बैगन डाले हैं रोस्टेड करके, उनका एक अपना ही फ्लेवर है। आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा मकसद ही यही होता है कि हम आपको बहुत ईजी मैथड से चीज़ें बनाना सिखाएँ। तो हमें ज़रूर बताएगा कि हमारा ये बैगन का रायता आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी रायते की तरफ। जी बहनों, आप हमारे तीसरे रायते की तरफ चलते हैं। तीसरा रायता और आखिरी रायता जो हमने बनाएंगे लौकी से। लौकी के रायते के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें अगेन मैं अपना होममेड दही ले रही हूँ। मैंने जो है ये कद्दूकस करके बॉयल कर ली थी लौकी को। ये 6 से 7 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के। किसी लहसुन मैंने अभी अवल दस्ते में भी आप कूट सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस से इसको ग्राइंड करूँगी क्योंकि मुँह में आता हुआ ये अच्छा लगता है। ये हसबे जायका नमक लिया है, काली मिर्चें ली हैं, तड़के के लिए मैंने जो है ज़ीरा और ये देगी मिर्चें ली हैं। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी बहनों, अपना रायता स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना ये होममेड दही हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। जी बहनों, मैंने इसको पानी की थोड़ी मदद से फेंट लिया है। अब मैं इसमें अपना लहसुन ग्राइंड करके डाल रही हूँ। जी मैं ना देखें, ये मैंने लहसुन ग्राइंड करके डाला है। अब मैं इसमें जो है ये मैं क्योंकि मैंने ये जो लौकी थी बॉईल की थी, तो इसमें थोड़ा सा पानी होता है, इसलिए आप पानी ऐड कम कीजिएगा। अब इसी के साथ जो है मैं इसमें ये नमक हसबे जायका और काली मिर्च हसबे 1 चम्मच छोटी डाल के हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। जी मैं ना ये देखो, मेरा ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके तड़के की तरफ जा रही हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको तड़के के लिए दिखाए थे वो है ज़ीरा और देगी मिर्च। हम इसका तड़का देंगे। डाल रही हूँ अपना ज़ीरा और देगी मिर्च, बस हल्का हल्का सा बस तड़काना है आपको। जी बहनों, मेरी इस वीडियो में आपने मुझसे मैंने आपको 3 तरीके के जो है वो रायते दिखाए हैं, जो कि एक खीरे का था, फिर बैगन का था और अब लौकी का है। आप इस रायते को देख सकती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जब हमने इसको तड़का दिया है। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएगा कि हमारे 3 रायते आपको कैसे लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।